कॉल के ऐसे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। बोला था ना कि बुलवा के करवा दें। हाँ मैंने कॉल किया था, उसने कहा वो कल आ जाएगा और सारे रूम्स के एसी की सर्विसिंग हो जाएगी। रूम्स के क्या? रूम्स के एसी की सर्विसिंग हो जाएगी। रूम के थोड़ा क्लैरिटी नहीं। अच्छा रोड मैं अपनी लाइन से लेता हूँ। सर कॉलिंग सर बैठ पहले कौन करा वो सोते करता है। रोड कॉलिंग एक्शन। मैंने कॉल किया था, उसने कहा कि वो कल आ जाएगा और सारे रूम्स के एसी की सर्विसिंग हो जाएगी। मैंने कॉल किया था, उसने कहा कि वो कल आ जाए और सारे रूम्स के एसी की सर्विसिंग हो जाएगी। ताने ने बोला मॉम कल ना सम्राट एक दिन के लिए नासिक जा रहा है एक पूजा के लिए। फिर से क्यों देना है ना क्यों आ रहा है ये बोला था लाइन पर क्यों रोल ताने वाला रोल रोलिंग एक्शन। मॉम कल ना सम्राट एक दिन के लिए नासिक जा रहा है एक पूजा के लिए। सम्राट वहाँ एक खास पूजा कराने जा रहे हैं। हमारी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए और इस घर की शांति के लिए। कल जाएगा और परसों तक आ जाएगा। दामिनी जी ने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, सम्राट कितना अच्छा सोचता है हमारे बारे में। मामी ने बोला अरे तानी तो तुम क्यों नहीं जा रही हो पूजा के लिए। दामिनी बोला अरे तुम चुप रहो तो ठीक। तानी बोला नहीं मामी जी ये पूजा केवल सिर्फ सम्राट और पंडित जी का। पंडित जी? सम्राट ने बोला जी हाँ। दामिनी ने बोला वेरी गुड सम्राट वी आर सो हैप्पी। अनिरुद्ध जी आए। अरे ईशान भाई मिस्टर जेम्स ने तुम्हें हाय कहा। ईशान ने बोला ओके। अनिरुद्ध जी ने बोला अभी वो कॉन्फ्रेंस में थे वो बात कर रहे थे कि तुम्हें बहुत मिस कर रहे हो। उसने बोला यस पापा 3 साल उनके साथ काम किया उनकी फर्म के लिए। जी ने बोला ऐसे से याद आया आज तो तुम्हारी लीडिंग लॉन्च मीटिंग थी ना तुम जा रहे हो। शान ने बोला नहीं पापा। जी ने बोला क्यों शान तुम्हें जाना चाहिए वहाँ सारे लीडिंग लॉयर्स आएंगे वहाँ और स्पेशली तुम लोगों तुम्हें तो बुलाया हुआ उन लोगों ने। उसने बोला हाँ पापा। जी ने बोला तो तुम्हें जाना चाहिए भाई। शान ने बोला मन नहीं है पापा और फिर वहाँ वाइफ के साथ जाना है अभी उर्मी कहाँ जा पाएगी मूड नहीं है। उर्मी ने बोला नहीं नहीं शान मूड कैसे नहीं है हमें जाना चाहिए वहाँ। शान ने बोला इट्स ओके उर्मी कोई ज़रूरी नहीं। उर्मी ने बोला नो वी आर गोइंग ईशान पापा हम लोग जाएंगे। उर्मी ने बोला गुड ये हुई ना बात। Thank you.
स्माइल कोई भी मत रखना फेस पे, थोड़ा सैड सब लोग। रोल साइलेंट, नॉर्मल मूड में रोल साइलेंट, रोलिंग साइलेंट, एक्शन। एक मिनट कर दो ईशान, तुम्हारा हाथ रुक जाना चाहिए। हो गई तुम्हारी नासिक जाने की पैकिंग वहां से, सानी आपके लाइन से लो। उर्मी जी थोड़ा पीछे रहो। रोल वाइट में कुछ पता नहीं चल रहा है। रोल रोलिंग ईशान उर्मी आपको एक लुक एक्सचेंज होगा ये नासिक वाले लाइन से। रोलिंग ईशान थोड़ा पीछे होके बैठो। Rolling, action! Keep rolling. Come in, थोड़ा पीछे बैलेंस रखो। हाँ, action! कट करो बैठो। उर्मी जब दही देने जाते है ना उसको बोल देना नहीं उर्मी रहने दो, हो गया ना, नहीं तो फिर लगेगा रोड बोल रहा था। रोल रोलिंग रोलिंग एक्शन। उर्मी थोड़ा राइट बैलेंस है, थोड़ा पीछे। उर्मी थोड़ा पीछे बैलेंस। हाँ सेम थिंग। रोलिंग एक्शन। ओके कर थोड़ा आगे रुक, तुम बजाओ सब लोग। ये इन्हें रोल ये इन्हें और तो नीचे कुछ हो सकता है।
silence please. What? Super awesome dog. Silence. Action. ओके कर चल आज अभी सर एक ना मेरे को फोटोग्राउंड बैकग्राउंड शॉट और ईशान ये मालिन है कितने बजे निकलोगे सब रोलिंग हाँ रोल नहीं नहीं रोल रोलिंग एक्शन ऐसे सम्राट कितने बजे निकलोगे एक मिनट कट करो क्या थर्माकोल स्टार्टिंग में आप लोग दोनों का एक्शन एक्शन थोड़ा पीछे तानी के लाइन से चाहिए तानी के लाइन से दे दे चलो रोल जस्ट आके बैठे रोलिंग मूड एक्शन ओरिजिनल देखो रोल बस डन
Okay, cut. ऐसा है कि आज जिस दिन का इंतजार होता है, आज दिन है जहाँ पे सम्राट और उर्मी का एक बार फिर से कॉन्जुमेशन होगा और फॉर अनदर चाइल्ड तभी होगा जब ईशान सम्राट और उर्मी का एक और बच्चा होगा। तो सिचुएशन है और कहाँ जा रहा है, लेकिन जहाँ पे ईशान बुक करता है स्पेशली फॉर तो दैट किसी को पता ना लगे कि क्या होने वाला है। हाँ शक होता है सब। किस तरह से आप घर वालों को कन्विंस कर देते हैं कि पूजा है, रात की पूजा होती है तो उसकी भी रात की पूजा है। तो ईशान डजंट फील गुड अबाउट इट, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि रात को उसकी वाइफ ऑब्वियसली किसी के साथ भी ऐसा होगा तो बहुत बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत अजीब है, यू नो, कि अपनी वाइफ को आप किसी और के साथ करने दे रहे हो और कंज्यूमेट करने दे रहे हो और स्पेंडिंग द नाइट विद अनदर गाय फॉर अनदर चाइल्ड, मतलब इट्स सच अ टफ सिचुएशन फॉर एनी वन। तो इसलिए वो यू नो उसे बैठा नहीं जाता वहाँ पे, थोड़ा सा एम्बैरसिंग हो जाता है। गेट्स मैं ऑडियंस से, अपने दर्शकों से, अपने फैंस से सबसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप हमारा शो देखते रहते हैं, हम डोली अरमानों की, प्लीज़ देखते रहिए और जितना प्यार आप हमें देते हैं, मुझे देते हैं, सम्राट सिंह राठौड़ को देते हैं, प्लीज़ देते रहिए एंड मैं और मेहनत करूँगा, आपको और एंटरटेन करूँगा। थैंक यू।